नगर निगम मुख्यालय पर महिलाओं ने किया धरना प्रदर्शन। कानपुर के नगर निगम मुख्यालय में 50 से अधिक महिलाओं ने धरना प्रदर्शन कर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करी। उन सभी महिलाओं का आरोप है कि हैलेट में नहरिया से लेकर कोको कोला चौराहे तक सड़क किनारे उन सभी महिलाओं की दुकानें व निवास बने हैं, लेकिन अब नगर निगम उनको हटाना चाहती है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कई वर्षों से सभी वहां पर रहकर छोटी मोटी गुमटियां लगाकर अपने घर का चूल्हा जलाती हैं और परिवार का पालन पोषण करती हैं, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन नगर निगम के कर्मचारी जाकर दुकान हटवाने की बात कहकर परेशान करते हैं। मेरा नाम श्वेता सिंह चौहान है। हमारी हैलट नहरिया से लेके कोला लग हम लोग सबकी दुकानें हैं गोल चौराहे तक। भैया हम लोग बहुत परेशान नगर निगम से हो गए हैं। हर दो घंटे में, हर 5-10 मिनट में चली आती है। हम लोग का इतना इतना सामान, हम लोग चाय की दुकानों को इतना परेशान कर रखा है कि उठा कर रखे भर भर के लेने जाती है। ऊपर से हम लोगों को इतना परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग इतना कहाँ चले जाएँ बताइए आप। हम लोग अच्छे, हम सब 7-8 दुकानें हैं जो हम लोगों की सबकी है। चाय पानी चटाई बटाई जैसे जिसका पेट पल्ला वैसे अपना लगाए हुए हैं और हम लोगों को इतना परेशान कर रखा है कि बस हमसे मैम से अनुरोध करना चाहते हैं कि हम लोगों को परेशान ना करा जाए और हम लोगों को चाय पानी जैसे हम लोगों को गुजारा हो रहा, हमारे बच्चे पल रहे हैं हम लोगों को पलने। हमारे हैलट पे दुकान है गोल चौराहे पे, जीटी रोड हैलट नहरिया पे। हम लोगों को हो गए 4-5-6 साल हमारे लोगों को, बाकी लोगों की तो 10-10, 35-25, 40-40 साल लोगों की जिंदगी बीत गई भैया वहाँ पे चाय पानी मसाला बेचते बेचते। और किनारे एकदम दुकान है भैया, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वहाँ पे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, केवल नगर निगम को ही प्रॉब्लम है। और हम लोगों से बोला जाता है ऊपर से आदेश, हम लोग पूछते किससे आदेश है, आपके योगी जी हटवा रहे, मोदी जी हटवा रहे, कोई सरकार में हम लोग औरतें रोड पे नहीं आई, लेकिन भाजपा सरकार बीजेपी की सरकार में हम लोग रोड पे आ गए हैं। हम लोगों की इस बात की सुनवाई करी जाए कि बस हम लोगों की दुकानें, महिलाओं को हम लोगों को खाने पीना दिया जाए, वो शाम को हटा देते हैं, शाम को ठेले पे दुकान लगती है, कोई किसी पे कब्जा नहीं करके बैठे हम लोग। हम लोग इसी तरह से आके यहाँ पे बैठे रहेंगे और हमारा पेट पाले, हमारे सरकार पेट पाले और नगर निगम पेट पाले, हमारे बच्चों पाले, बस हमें कोई समस्या नहीं है किसी। इन लोगों को दुकान नहीं लगने देने रोड किनारे, ठीक है ना। आए दिन आते रहते हैं, कहेंगे दुकान हटाओ यहाँ से, है नगर निगम के लोग कहेंगे, अधिकारी लोगों ने भेजा है यहाँ से दुकान हटाइए। आज एक हफ्ते पहले भी दुकान बंद करा दी थी। सब आते फौजी भाई भी आते हैं बैठ करके गाड़ी में, आए दिन कहेंगे यहाँ से दुकान हटाओ, हम लोग अपने बच्चों को कैसे पाले। अब एक हफ्ते पहले दुकान हमारी बंद करा दी, तो उन्होंने पूछा कि हमारे बच्चों ने क्या खाया क्या पिया, किस तरह हम लोग गरीबी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे उसी दुकान के पीछे दुश्मन बने बैठे हुए हैं। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाए बच्चे लेकर के। कितने वर्षों दुकान है आप? हमारी 5-6 साल हो गई दुकान की। क्या मतलब ठेले पे लगाते हैं हम दुकान? नगर निगम क्या कह रहे हैं? कहते दुकान यहाँ से हटाइए, नहीं हटाएंगे 5,000 का पूरा चालान काट के, 5,000 हम एक दिन में कमा लेते हैं। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये, हमारी दुकान लगाने दीजिए।